नमस्कार बच्चों, अब हम करेंगे पाठ 11 सच्ची शिक्षा तो चरित्र का निर्माण है के प्रश्नोत्तर यानी लघु प्रश्न। पहला है, इस पाठ में किसने किसके लिए और कहां से पत्र लिखा है। उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में महात्मा गांधी जी ने अपने पुत्र मणिलाल को जेल से पत्र लिखा है। दूसरा यानी ख, बा कौन थी, इस पाठ में उनके विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर, बा महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, उनका नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, और मणिलाल की माता थी। वे अस्वस्थ थी और काफी दिनों से बीमार चल रही थी और मणिलाल उनकी सेवा कर रहे थे। निबंधात्मक प्रश्न क है, गांधी जी के अनुसार मणिलाल की शिक्षा कैसे पूरी हो रही थी, वो क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे ना, उस आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे कि उत्तर, गांधी जी के अनुसार केवल अक्षर ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं होती है, सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है और मणिलाल इन सभी बातों का निर्वाह कर रहे थे। वे पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की सेवा कर रहे थे और अपने भाइयों का ध्यान रख रहे थे, उनकी पूरी तरह से क्या कर रहे थे, जिम्मेदारी पूर्ण तरह से निभा रहे थे, अपने कर्तव्य निभा रहे थे और उत्तरदायित्व तो पूर्ण कर रहे थे। प्रश्न ख, 12 वर्ष की आयु के बाद हमें किन किन गुणों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। तो उत्तर हम लिखेंगे कि 12 वर्ष की आयु के बाद बालक में कर्तव्य और जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए और उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा की चेष्टा करनी चाहिए। इन सब बातों को भार समझकर नहीं बल्कि आनंद पूर्वक करें। कैसे करें, आनंद पूर्वक यानी खुश होकर, यानी कि मेरा कर्तव्य है और ये मुझे पूर्ण करना है। प्रश्न ग, क्या किताबी ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हमें दिखाना है लिखकर कि किताबी ज्ञान ही सही नहीं, हम मानेंगे किताबी ज्ञान यानी विद्याधन जो होता है जो बांटने से बढ़ता है, परंतु जब तक हम अपने चरित्र में नहीं अपनाएंगे तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। तो यहाँ किताबी ज्ञान सच्ची शिक्षा नहीं होती है क्योंकि किताबी ज्ञान को हम बांट सकते हैं ना, लेकिन शिक्षा जब आचार व्यवहार यानी हमारे व्यवहार में झलकती है और भाव विचारों के अनुसार चरित्र में यानी हमारे व्यक्तित्व में आती है, व्यक्तित्व क्या होता है, हमारे गुणों का विकास होता है तो हमारा चरित्र निर्माण करती है। ठीक है, तो सच्ची शिक्षा क्या होगी, हमारे चरित्र का निर्माण करेगी। कर्तव्य बोध और जिम्मेदारी का पालन सच्चा चरित्र का निर्माण करता है, तो इसलिए हम कहेंगे जिम्मेदारी का पालन जब हम करते हैं तभी हमारा चरित्र निर्माण होता है, हमारा बाह्य और आंतरिक विकास होता है। इस आधार पर हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।